हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से ही आप एचपी टेट करंट अफेयर और सॉरी सी टेट कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे कमीशन का एग्ज़ाम है, उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ये वीडियो लेके आई हूँ करंट अफेयर 2020 के। तो इसमें हम मई मंथ के क्वेश्चन जो हैं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई एग्ज़ाम होता है उसमें लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे ही करके थोड़े थोड़े करके जो है एंड तक जब भी पेपर होगा तब तक हम कोशिश करेंगे कि जितने भी करंट अफेयर है वो कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम एचपी टीजीटी कमीशन कब होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है और मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दे सकती कि मैं हाँ तुक्का लगा के आपको बता दूं कि हाँ इसमें आप एग्ज़ाम होगा या होगा। बट ये श्योर हूँ कि अगर टेट जो है इन्होंने जुलाई और अगस्त में लेना है तो उसके बाद कमीशन ही होना है। तो आप अपनी तैयारी रखें और ये ना सोचें कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि जो टीजीटी कमीशन का सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको करंट अफेयर भी करने हैं, एचपी जीके भी करनी है और जनरल साइंस भी करनी है, हिंदी इंग्लिश भी करनी है, अपना सब्जेक्ट भी करना है। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो एंड में बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छा रहेगा कि आप तैयारी अभी से शुरू करें। तो जो भी फ्रेंड्स एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या कमीशन की, उसके लिए मैं बता दूं, मैं जो है पैडागोजी की वीडियोस डेली डाल रही हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज सेकेंड क्लास थी, सेकेंड ऑनलाइन क्लास ली है मैंने, क्लास मीन्स की पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020, तो ये है सिद्धार्थ वरदराजन, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। सिद्धार्थ वरदराजन जो है ये इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट है, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। सेकंड है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है अभी मई 2020 में जो है लॉन्च हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके लेखक भी। तो ये हैं बोम देवर चंद्रवदन, बोम देवर देवर चंद्रवदन। थर्ड क्वेश्चन है, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये है रस्किन वॉन, जो इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है फांग फांग, और इन्होंने जो है कोरोना के बारे में इसमें लिखा हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है चीन की वुहान के बारे में। तो फांग फांग अभी न्यूज़ में भी आ रहा था कि चीन जो है पूरी तरह इनके पीछे पड़ गया है, क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी इसमें जो है लिखा हुआ है। तो ये है फांग फांग। नेक्स्ट है, WHO के 73वें सत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उनको उन्होंने जो है WHO का जो है 73वें सत्र का प्रतिनिधित्व किया है। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है। फोर्थ क्वेश्चन है, हम सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव में आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकते हैं? तो ये अभी आपको पता है ये प्रस्ताव जो है अभी चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग जो है हर एक बंदा जो है जो भी जिसकी भी इच्छा हो वो जो है 3 साल तक जो है अपनी इच्छा से भारतीय सेना में जो है ड्यूटी कर सकता है, जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और इसका मेन मोटिव तो यही है कि जो भारतीय सेना है उसके रूल रेगुलेशन हर चीज़ के बारे में पता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को ही कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसलिए उन्होंने 73वें सत्र का भी प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन नंबर एट, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से प्रभावित हुआ है? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर, तो
तो ये है असम, ये एक तरह का फीवर है और ये मेनली जो है जो सुअर होते हैं उनके कारण होता है, पिग्स के कारण होता है। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस जो है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये जो है ये असम में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है 2020 में, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है पान मसाला गुटखा पर 1 साल तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है झारखंड। क्यों लगाया गया है? क्योंकि अभी जो है जो पान मसाला गुटखा है उसके नमूनों की जांच की गई थी, तो उसमें जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है पाया गया था बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि जो हार्ट की बीमारियाँ होती हैं फैलाता है, हार्ट की बीमारी करता है। तो इसके लिए जो है इस पर 1 साल के लिए जो है पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल शुरू किया है? तो ये है केरल की सरकार ने जो है ये शुरू किया है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू की है? ये की है उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने, और इसका मेन मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी नागरिक है जो अन्य प्रदेशों से जो हैं यूपी में आ रहे हैं, जैसे आपको पता है बहुत सारे जॉब करने के बाहर गए थे जो वापस आ रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो उनको सरकारी योजना का लाभ देना, उनके स्वास्थ्य की निगरानी करना और उनके जो कौशल है उन कौशल के लायक जो है भविष्य में नौकरी प्रदान करना, इसके लिए इनको जो है डाटा जो है फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो इसलिए प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है? ये जितनी भी योजनाएं हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। तो इसका मतलब है कि घर बैठे ही आप FIR या घर बैठे ही अपनी शिकायत जो है दर्ज करवा सकते हैं। और ये जो है जितने भी मध्य प्रदेश के ये 23 पुलिस स्टेशन जो है इसके साथ जोड़े गए हैं, मतलब इनमें जो है ये योजना जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य सरकार ने स्नेहर परोश योजना जो है ये शुरू की गई है? ये है पश्चिम बंगाल में, और जो हमारे प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए जो है ये शुरू की गई है, इसके अकॉर्डिंग जो है उनको जो है आर्थिक सहायता जो है 1,000 रुपया भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है ये पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये जो है मेनली जो बेरोजगार युवक हैं उनकी सहायता के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? ये की गई है छत्तीसगढ़, और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे किसान हैं जो किसान धान की फसल उगाते हैं उनको जो है धान की फसल पे लाभ पहुंचाया जाएगा और उनको प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से 10,000 रुपया जो है दिया जाएगा। तो ये जो है ये किसानों के लिए है। तो फ्रेंड्स ये थे 15th क्वेश्चन, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 जो है सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक है बो देवर चंद्रवदन। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक है रस्किन बॉन्ड। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सेंटर पुस्तक के लेखक है फांग फांग। WHO के 73वें सत्र का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया, जिनको हाल ही में जो है कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया है WHO में। टूर ऑफ ड्यूटी जो है नामक प्रस्ताव है सेना का, वो 3 साल के लिए है। अफ्रीकन स्वाइन जो फ्लू है वो असम में फैला हुआ है, और पान मसाला और गुटखा पे प्रतिबंध लगाने वाला झारखंड राज्य है, और इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल जो है केरल में शुरू किया गया है, प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, FIR आपके द्वार जो है मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, स्नेहर परोश योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू की गई है,
और राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह आप बने रहें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड गुड नाइट।